हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज का जो व्लॉग है मैं इवनिंग से जो है मैंने आज स्टार्ट किया है। एंड आज अगेन मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला है क्योंकि मैंने जो है व्लॉग एडिट ही नहीं किया है अभी तक कोई भी। इस वजह से तो मैं अभी थोड़ी देर में बैठ के व्लॉग एडिट करूँगी। फ्रिक्वेंटली एकदम से जो है मुझसे काम ही नहीं हो पा रहा है आजकल। तो एक काम के बाद में एटलीस्ट आधे घंटे का रेस्ट लेने के बाद में मैं सेकंड काम के लिए अपनी एनर्जी जुटा पाती हूँ। तो इस वजह से जो है मैं थोड़ा थोड़ा रुक रुक के कर रही हूँ क्योंकि फिर वरना मुझ पर भी भारी पड़ जाता है इस वजह से। तो आज जो है मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपना इवनिंग टू डिनर रूटीन शेयर किया जाए। तो इस वजह से जो है अभी मैंने व्लॉग जो है स्टार्ट कर दिया है। ओके मैंने जो है जस्ट अभी अभी जो है थोड़े से सब्जियां खरीद ली हैं। हम लोग वैसे भी जा ही रहे थे चौक में लाने के लिए सब्जियां क्योंकि आज मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ा राउंड लगा के आऊँ, मतलब थोड़ा सा घूम के आ जाऊँ। घर के घर में बहुत फ्रस्ट्रेटेड लगता है कभी कभी, एंड ऐसे पीरियड्स में तो सबसे ज़्यादा लगता है। प्रेगनेंसी में तो ऐसा लगता है कितना घूमे, कितना बाहर जाए, कितना फ्रेश जगह पे जाए एंड अच्छे से घूमे, ऐसा लगता है बाहर ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। बट अभी इन सारे चक्कर की वजह से, लॉकडाउन, कोरोना, इन सारी वजह की वजह से जो है सेफ नहीं है, तो विवेक नहीं लेके जाते हैं कहीं पर भी। आज मैंने कहा सब्जियाँ लेने जाते हैं बट यहीं पर दरवाजे पे भैया आ गए थे ठेला लेके सब्जी के लिए। तो मैंने बैंगन, मिर्ची, फली वली ले ली है बट अभी मुझे दूध वगैरह लाने जाना है। तो विवेक कह रहे थे कि चलो तुमको जाना था राउंड लगाने के लिए, मतलब घूमने के लिए थोड़ा सा, चलो जाते हैं, यहाँ से चौक पास में ही है। तो वो कहते हैं कि चलो जाते हैं, पैदल जाके आते हैं। तो अभी मैं जाऊंगी, दूध वगैरह लेके आऊंगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। मैं तो खाना आज मेरा मन कर रहा है कि मैं दाल एंड अंडे की भुंजी बनाऊं। आजकल जो है मुझे दाल अंडे की भुंजी बहुत पसंद आ रही है, मतलब कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। बट अंडा जो है ज़्यादा नहीं खाना चाहिए कहते, एक अंडा एक दिन में ठीक है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए कहते हैं। तो इस वजह से जो है मैंने आज मॉर्निंग में अंडा वगैरह कुछ नहीं खाया, तो मैंने सोचा अभी बना लेती हूँ अंडे की भुंजी एंड दाल बनाती हूँ मैं अभी। एंड उसके बाद में देखते हैं क्या क्या है मेरा रूटीन। तो चलिए सबसे पहले जाके थोड़ा सा मूड फ्रेश करके आते हैं।
ओके सो फ्रेंड्स, काफी टाइम के बाद में मिल रही हूँ मैं आप सबसे, एंड नॉइस को प्लीज इग्नोर कीजिएगा क्योंकि फैन चल रहा है एंड पीकू जो है वहाँ पे सो रही है। फैन ऑफ करके बात नहीं कर पाऊंगी मैं, तो इस वजह से सो सॉरी। तो थोड़ा जो आवाज आ रहा है उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। हमारे जो बहुत बारिश चालू हो गई जिसकी वजह से मुझे मेरे गले में बहुत खराश टाइप लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि सर्दी जुकाम वुकाम होने वाला है। तो काफ़ी टाइम पहले जो है हम लोगों का खाना वाना हो गया था एंड आज विवेक ने जो बहुत हेल्प करा दी मेरी, मैं इतने अच्छे से जो है खाना बनाने बैठी थी, बट पता नहीं अचानक से जो है मुझे बहुत लो फील हो रहा था, तो विवेक फेस देखते ही पहचान गए एंड उन्होंने जो है बहुत कुछ हेल्प कर दिया। एंड आजकल विवेक बहुत, वैसे तो पहले से ही बहुत हेल्प करते हैं, बट जब से प्रेगनेंसी है तब से विवेक जो है बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग बन गए हैं। तो अच्छा लगता है ऐसे, अगर घर में कोई अगर हमें हमारी एक्स्ट्रा केयर करता है तो बहुत अच्छा फील, स्पेशल फील होता है। तो अभी जो है खाना वाना हो गया है एंड इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड करने वाली हूँ, तो सोचा कि बैठ के आप लोग के साथ थोड़ी देर बातें कर ली जाए एंड ब्लॉग को एंड कर लिया जाए। तो मैं जैसे अभी मेडिसिन खाने की ड्यूटी थी, अभी तक जो है मैं बैठ के वीडियो एडिट कर रही थी, तो कल का जो वीडियो था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि अभी बैठे बैठे एडिट कर लेते हैं, देन कल से जो है उसको, कल सुबह उठ के जो है उसको अपलोडिंग पे लगाना पड़ेगा मुझे। तो एडिटिंग एंड एडिट करके सेव करना, एक्सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें जो होती है वो मैं आज के ही दिन करके रख लेती हूँ, मतलब कल डायरेक्ट अपलोड करने में अच्छा होता है इस वजह से। तो सोचा कि आप लोगों के साथ अभी बात कर लिया जाए, उसके बाद में मेडिसिन खा के सोने वाली हूँ। तो आप लोग जो है बहुत से क्वेश्चंस पूछ रहे थे मुझे, मतलब मेरा प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो मैं आप सबके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, लेकिन अलग से क्यू एन ए वीडियो बना के दूँ ये सोच रही हूँ मैं। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हो प्रेगनेंसी से रिलेटेड या कुछ अदर जो भी कुछ आपके क्वेश्चंस हो, वो आप मेरे लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, तो मैं जल्द से जल्द जो है आपके लिए क्यू एन ए वीडियो बना के आपके सारे क्वेश्चंस के जो है आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो कोशिश करूँगी कि दूंगी ही ज़रूर एक नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। इसलिए जो है आपके जो जो कमेंट्स है आप वो सब सारे कमेंट्स, आपके सारे क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। तो चलिए अब मैं भी इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। कैसा लगा आपको मेरा इवनिंग टू डिनर टाइम रूटीन वाला ब्लॉग, ये मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। बाय बाय।